एक सेकेंड, ओ यार, ये मोयो ने पिछले जितने सालों में जितने क्यूब्स बनाया शायद उससे ज्यादा सिर्फ एक साल में ये इस 2023 में उन्होंने बना दिए हैं। दोबारा हमारे पास एक पैकेज आ चुका है और मोयू ने मुझे बता दिया इसके अंदर कौन सा क्यूब है। आई थिंक इस वक्त मैं पहला ही हूं जो इसको अनबॉक्स कर रहा हूं इस दुनिया में, इंडिविजुअल पर्सन की बात की जाए तो। यार मोयू की पैकेजिंग बहुत ना नेक्स्ट लेवल किस्म की होती है। खैर इसको खोलते हैं। ओ यहां से बॉक्स नजर आने लग गया है। ओ भाई, पहला, दूसरा और तीसरा, तीन सुपर आर एस 3M के वर्जन 2 तुम लोग यहां पढ़ सकते हो, सुपर आर एस 3M V2। और पैकेज बहुत क्लीन है, ये तीनों सेम नहीं होंगे। आई थिंक एक स्टैंडर्ड होगा, एक मैगलेव और एक बॉल कोर, लेकिन इसमें हमें फर्क कैसे पता लगेगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ये देखो 1 2 3 4 5, ये सिर्फ 5 यहाँ पे लेटर्स हैं आई थिंक चाइनीज के, यहाँ पे 6 हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं, तो हम यहाँ से शायद थोड़ा सा फर्क देख सकते हैं। तो सबसे पहले जिसमें सिर्फ 5 लेटर्स हैं उसको अनबॉक्स करके देखते हैं, या अनपैक बोले तो, कि इसके अंदर क्या हमें मिलता है। ओ भाई यार, ओ अब भी इनकी क्यूटनेस जरा ज्यादा हो गई है, शीट जरा इतना अच्छा काम नहीं थी कर रही। और एक सेकेंड, ओ यार ये नेक्स्ट लेवल पैकिंग है। लाइक ये कैसे था, यहां पे मैग्नेट्स का यूज किया गया और कुछ इस तरह, और हमें वही बॉक्स देखने को मिल रहा है जो हमें मिलता आ रहा है, और साथ एक्सेसरी बॉक्स हम एक का चेक कर लेते हैं, बाकियों में सेम ही होगा। और इसी में भी वही है आज तक जो ये लोग देते आए हैं, सेम चीज़ें, इसका जो एडजस्टमेंट है सेम वही होने वाला है, तो हम इसको भी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, इसको बंद करेंगे और डायरेक्टली क्यूब पर आएंगे। तो भाई इसको दबा के खोल लेते हैं और अंदर इसके शीट है। ओ ये भाई इसके ऊपर इसका इन्होंने जो मैजिक क्लॉथ नाम रखा हुआ है, या फिर यूवी कोटिंग अगर हम आसान लफ्जों में कहें, वो की गई है। और अंदर से बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। लाइक यहाँ पे मेरे पास RS 3M 2020 पड़ा हुआ है और सुपर RS 3M पड़ा हुआ है, और ये है सुपर RS 3M का V2। तो इसमें V9 वाली बहुत सी वाइब्स आ रही हैं, मोयू का V9 जो था, और बॉल कोर वर्जन, लेकिन बॉल कोर वर्जन को थोड़ा सा लाइक सिंपल किया गया है, इतना एडवांस नहीं। ओ इसकी कॉर्नर कटिंग जरूर अच्छी होगी, बिल्कुल बहुत मस्त कॉर्नर कट्स हैं। और मुझे नहीं पता ये बॉल कोर है या क्या है, नहीं ये बॉल कोर तो नहीं है, अगर होता तो ये साथ से ऑटो अलाइन हो जाता। और अगर इसके सेंटर कैप देखे जाए तो सेम वही एडजस्टमेंट सिस्टम जो हमें आज तक मिलता आ रहा है, लेकिन क्या ये स्टैंडर्ड वाला ही वर्जन है, डब्बे पे तो कहीं पे कुछ मुझे नहीं मिला। इसके अंदर मैगलिफ तो नहीं है, नहीं भाई इसके अंदर स्प्रिंग ही है, शायद ये स्टैंडर्ड वर्जन ही है भाई। यार टू बी ऑनेस्ट मुझे ये बहुत पसंद आया, और मुझे पता है अभी ये कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा मज़ेदार अगले क्यूब्स होने वाले हैं। लाइक तुम लोग देख सकते हो यार कितनी एफर्टलेस ट्रेनिंग है, और लाइक एक मोयू की टिपिकल फीलिंग इसमें है, लेकिन मोयू V9 ऐसा है जैसे मोयू का V9 वर्जन को स्टैंडर्ड बनाया गया हो ना, V9 वर्जन जो है उसका बॉल कोर वर्जन उसको स्टैंडर्ड, मतलब समझ जाओ मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। इन शॉर्ट ये पजल बहुत मजेदार है यार, और ग्रिप बहुत अच्छी है। चलते हैं मैगलिव वाले की तरफ, मुझे बस उम्मीद ही है कि ये मैगलिव है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लेटर्स ज्यादा हैं और मुझे इसके अलावा कोई यहाँ पे नहीं समझ आ रही। ऑब्वियसली ये मैगलिव है, तुम लोग देख सकते हो इसके अंदर, यार ये टाइट बहुत है, बट यार ये बहुत क्लीन है। और आई थिंक इन तीनों वर्जन्स पे हम ठीक थे, ये स्टैंडर्ड वर्जन ही है, इन तीनों वर्जन्स पर यूवी कोटिंग हुई भी है। खैर फर्स्ट टर्न्स, ओ भाई ये जो RS 3M मैगलिफ था ना, जो 2021 में आया था, ऐसा लग रहा है उस क्यूब को परफेक्ट बना दिया गया हो कहीं ना कहीं। वैसे यार ये अभी बहुत टाइट है, इन पे हम रिव्यू बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी के लिए मुझे बहुत टाइट लग रहा है यार। फर्स्ट इंप्रेशंस यही है कि ऑब्वियसली ये मैगलिव है, तुम लोग देख सकते हो, ये इसके साथ चिपक रहा है, ये मैग्नेट है अंदर स्प्रिंग की जगह, और इंटरनल्स पर्पल होने का मतलब ही यही है कि ये मैगलिव है।
बाय द वे ये अभी तो बहुत टाइट है तो हम इसके बारे में कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते हैं, लेकिन मुझे स्टैंडर्ड वाला ज्यादा पसंद आया। और सच बताऊं तो स्टैंडर्ड और इस क्यूब को अगर मैं आंखें बंद करके, अगर सेम टेंशन हो, ये थोड़ा सा लूज कर दिया जाए, आंखें बंद करके टर्न करूं, तो मैं दोनों में कोई डिफरेंस शायद ही बता सकूं। ऑलमोस्ट सेम है, ये थोड़ा सा ब्लॉकी फील हो रहा है शायद टाइट होने की वजह से। इसको अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि अभी इसको मैं लूज करूं, वो रिव्यू में हम कर लेंगे, लेकिन मुझे अभी तक के लिए स्टैंडर्ड वाला ज्यादा पसंद आया है इसकी निस्बत। इनमें एडजस्टेबल मैग्नेट्स नहीं है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत मजेदार है यार। लाइक आमतौर पे ये लोग कुछ पजल्स में, जैसे वाया स्थिरियम हो गया या फिर वो जो V9 का बॉल कोर वर्जन था उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इन्होंने बहुत ज्यादा कर दी हुई थी, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन यार ये क्यूब्स बहुत ज्यादा V9 के बॉल कोर वाले वर्जन से मिलते जुलते हैं, पता नहीं मैजिक क्लॉथ की वजह से या क्या चक्कर है। खैर लास्ट वाले की तरफ चलते हैं जो कि बॉल कोर है। यार इस पर सबसे ज्यादा चीजें लिखी गई हैं। ऑब्वियसली ये इसके अंदर का जो कलर है वो बॉल कोर वाले का है, और ये साथ मैगलिफ भी होगा आई थिंक। नहीं ये क्या मैगलिफ है कि नहीं, इसके अंदर पर्पल कलर का ये यूज़ किया गया है जो हमने, हाँ ये मैगलिफ ही है और पर्पल कलर का वो यूज़ किया गया है। इसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कंप्रेशन के लिए जो यूज़ होता है, जो भी है। खैर इसकी टेंशन मुझे सबसे बेहतर लगती है। और अगर हम ऑटो लाइन पहले देख लें, ये क्या बॉल कोर है भी कि नहीं, एक सेकंड यार, हमें एक पीस निकाल के चेक करना पड़ेगा। यार इसका जो मैकेनिज्म है बहुत अच्छा बनाया गया, लाइक हाँ बॉल, भाई बॉल कोर भी है और कोर मैग्नेट्स भी हैं। अब करते हैं इस पे फर्स्ट टर्न्स। ओ ये ड्राई है, इतना कोई इसमें ल्यूब है नहीं शायद, लेकिन यार ये तीनों क्यूब्स V9 से बहुत मिल रहे हैं, V9 के बॉल कोर वाले वर्जन से। बस मैं इसके अलावा भी कुछ नहीं कह सकता। लाइक जो भी इसको अनबॉक्स करेगा वो ये बात जरूर करेगा कि बहुत ज्यादा ये उससे मिलते जुलते हैं। रिव्यू में हम दोनों के आपस में मैकेनिज्म को कंपेयर करेंगे, लेकिन यहां पर मैं बता दूं ये बहुत एफर्टलेस है। ऑब्वियसली इसकी कॉर्नर कटिंग बहुत जबरदस्त है, आउट ऑफ कंट्रोल है। लाइक स्टैंडर्ड वर्जन थोड़ा सा मुझे स्टेबल लगा और उसको हम मजीद भी ल्यूब से कंट्रोलेबल कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत फास्ट है। तो ये था यार आज की वीडियो। पर्सनली अगर मैं इनको रेटिंग देना चाहूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा स्टैंडर्ड वर्जन का आया, उसके बाद मुझे इस बॉल कोर वाले वर्जन का आया, और उसके बाद मैगली वाला। इसकी वजह हो सकती है कि ये काफ़ी टाइट है, रिव्यू में सारे हमारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार क्यूब्स हैं, V9 से बहुत मिलते जुलते हैं। अगर तो ये V9 से सस्ते हुए, जो कि मुझे उम्मीद है कि ये V9 से सस्ते होंगे, क्योंकि RS3M का जो इनका लाइनअप है वो बजट क्यूब्स बनाता है, तो V9 की जगह ये वाले लेना मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। और बाकी अभी किसी बात पे यकीन ना करो, रिव्यू में हमारी अक्सर बातें बदल जाती हैं, रिव्यू का वेट करो। और मोयू को थैंक्स कहेंगे हम, उन्होंने हमें ये क्यूब्स भेजे। यार ये हाथों से फिसल रहा है, हालांकि यूवी कोटिंग ये ग्रिप के लिए है, मैं शायद पहले बोला कि ग्रिप अच्छी हो जाती है, लेकिन ये हाथों से फिसल रहा है, शायद कुछ दिन यूज करने के बाद आदत हो जाए। लेकिन इन तीनों की टर्निंग बहुत मिलती जुलती है, इसकी थोड़ी क्रिस्पी है और थोड़ी जरा क्रंची सी टर्निंग है, लेकिन बाकी दो बहुत स्मूथ है। और आई थिंक इस वीडियो को खत्म करते हैं, ये सिर्फ एक अनबॉक्सिंग थी, फर्स्ट इंप्रेशंस थे कुछ, वेट की हमने बात नहीं की। वेट यार हालांकि हमारे पास एक वेट मशीन आगे भी है, इसको मिनी स्केल बोलेंगे हम, जल्द ही इस पे रिव्यू में सब कुछ देखेंगे। तब तक के लिए यार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पे नहीं तो चैनल कर लो सब्सक्राइब, साथ बने बेल आइकन को दबा लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, सब्सक्राइब यार।